अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, आज हम जीके रिटर्न में सफ़ा नंबर 62 की सरगर्मी करेंगे। सफ़ा नंबर 62 की सरगर्मी दुरुस्त जवाब पर दुरुस्त का निशान लगाइए। इसमें मुख्तलिफ दुआएं दी गई हैं और इन दुआओं को हमने के कौन से वक्त की दुआ है उस पर हमने उसका निशान लगाना है। सबसे पहले दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमाताना व इलैहिन नुशूर पढ़ी जाती है सोकर उठने पर, सोने से पहले या घर से निकलते वक्त। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ी जाती है सोकर उठने पर। ये दुआ पढ़ी जाती है सोकर उठने पर। सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। नंबर दो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक पढ़ी जाती है। ये दुआ पढ़ी जाती है घर से निकलते व घर में दाखिल होते व या मस्जिद से निकलते व। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक ये दुआ पढ़ी जाती है मस्जिद से निकलते वक्त। ये कौन सी दुआ है? मस्जिद से बाहर निकलते वक्त। सफ़ा नंबर 61 पे हमने दुआ सीखी थी अल्लाहुम्मफ्तह ली अबवाब रहमतिक, ये दुआ हमने सीखी थी मस्जिद में दाखिल होने की। और सफ़ा नंबर 62 पर हम दुआ सीख रहे हैं मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ। नंबर 3 यरहमुकल्लाह कहा जाता है जमाई आने पर, छींकने पर, हंसने पर। यरहमुकल्लाह हंसने पर नहीं कहा जाता, जमाई आने पर भी नहीं कहा जाता, बल्कि ये छींकने पर कहा जाता है। प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 61 पर हमने दुआ छींक आने पर दुआ हमने पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये उस अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब है कि जब कोई बच्चा छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हमें यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। आखिरी सवाल रंग भरें, ये आपके लिए बहुत प्यारी एक्टिविटी है। इसमें दुआ में आप रंग भरते जाएं और साथ साथ दुआ पढ़ते जाएं। दुआ में रंग भरें और साथ साथ दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मफ्तह ली अबवाब रहमतिक। ये मस्जिद में निकलने की दुआ है। प्यारे बच्चों, दुआ में प्यारे प्यारे कलर करें और साथ साथ दुआओं को पढ़ते जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इन दुआओं का अहतमाम करें और इनको याद करें और इनका अहतमाम करें ताकि हम अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान के दायरे में आ जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।